बिहार में युवाओं को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार युवा सम्मेलन कर लोगों में केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को समझाने में लगे हैं। वहीं पूर्णिया में कार्यक्रम के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने राजद के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव देश विरोधी नारा लगाने वाले कन्हैया से हाथ मिला लिए हैं और राहुल गांधी झूठ का पुलिंदा है। इन दोनों युवा नेताओं को देश की युवा धड़कन बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। आने वाले चुनाव में देश की युवा इन दोनों ही पार्टी को सबक सिखाएगी। युवा संकल्प सम्मेलन का जहां एक और उद्देश्य युवाओं को संकल्पित करके 2019 के मिशन की तैयारी में लगाने का है, वहीं बिहार के युवाओं को भी तय करना है और देश के युवाओं को कि एक तरफ देश विरोधी ताकतें एकजुट हो रही हैं जिसमें भ्रष्टाचारी जंगल राज कायम रखने वाले जो पुरोधा रहे हैं वो लोग एक जमात बना रहे हैं और एक तरफ अपनी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो निश्चित रूप से देश के युवाओं को और बिहार के युवाओं को उन कलंकित चेहरे जो युवाओं के आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नाम पर काम कर रहे हैं उन कलंकित चेहरे को बेनकाब करके देश के युवाओं को और बिहार के युवाओं को एक संवाद देना है कि अगर 2019 में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से जो विकास की धार बही है, चाहे वो उज्ज्वला की योजना हो, चाहे मुद्रा बैंक की योजना हो, चाहे स्टार्टअप की योजना हो, ऐसे कई योजनाओं का नाम हम लोग ले सकते हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां रही हैं और उसमें सबसे बड़ी अभी आयुष्मान भारत योजना। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तभी सीमांचल का या कोशी का या मिथिलांचल का इस पूरे एरिया में भी अगर विकास की योजनाएं आई तो निश्चित रूप से वह NDA सरकार के समय में आई है। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से कि देश विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया सिंह के साथ आप खड़े होने को तैयार है कि नहीं है, उनको स्पष्ट करना होगा। राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाले, देश के टुकड़े नारे लगाने वाले नारे के साथ खड़े होने को तैयार है कि नहीं तैयार है? और मैं उनको भी चेतावनी देता हूं कि बिहार की जमीन से एक टुकड़ा जमीन उनको नहीं मिलने वाला है। जो व्यक्ति देश का नहीं वो इस राज्य का भी नहीं हो सकता है।